आप सभी की मेरा नमस्कार। मैं आरपी यादव, फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर, जय एजुकेशन गाइड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम न्यू सिलेबस के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे माइनिंग एग्जाम के संबंध में। फर्स्ट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। पर्सनल मैनेजमेंट हैज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट, प्लानिंग। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पर्सन्स। पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर फैक्ट्री और प्लांट और एनी वर्क इज कॉल्ड पर्सनल मैनेजमेंट। बी, द वेरियस ऑपरेटिव आर इन्वॉल्व। पर्सनल मैनेजमेंट में क्या क्या ऑपरेटिव इन्वॉल्व है? फर्स्ट, प्रोड्यूसिंग। सेकेंड, डेवलपिंग। थर्ड, मेंटेनिंग। एंड फोर्थ, यूटिलाइजिंग। प्रॉपर पर्सनल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट एंड सेफ आउटपुट। इट शुड बी रिमेंबर दैट ऑल द पर्सन हैज़ दे गॉट डिफरेंट नेचर। सभी आदमियों का अपना अलग अलग नेचर होता है। दे आर ऑलवेज सेंटिमेंटल। देयरफॉर ए ह्यूमनेटिक अप्रोच इज नीडेड फॉर पर्सनल मैनेजमेंट। एक मानवीय भावना की जरूरत पड़ती है पर्सनल मैनेजमेंट के लिए। अब हम देखते हैं HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। सेलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सेलेक्शन ऑफ द पर्सन। सेलेक्शन ऑफ राइट पर्सन इज ए क्रिटिकल जॉब। दिस शुड बी डन बाय ए सूटेबल एजेंसीज और बाय ए रिक्रूटमेंट बोर्ड एट द कॉरपोरेट लेवल। फॉलोइंग इशूज आर टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्शन ऑफ ए पर्सन्स। फर्स्ट, फैमिली बैकग्राउंड। थर्ड, एजुकेशनल बैकग्राउंड बोथ जनरल एंड टेक्निकल। थर्ड, एक्सपीरियंस। फोर्थ, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। फिफ्थ, इंटेलिजेंस। सिक्स, गुड कैरेक्टर्स। सेवन्थ, एबिलिटी टू डू हार्ड वर्क। एट्थ, जॉब कॉम्पिटेंस। नाइन्थ, इनर्गेटिक। टेंथ, लॉयल एटीट्यूड। 11th, dependability. 12th, flexibility. 13th, integrity. 14th, good social behavior. 15th, good communication skills. ये सब गुड होना चाहिए सिलेक्शन के समय, जिससे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं और अच्छे आदमियों को सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप, इट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ लीडिंग द पीपल्स। इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड इट्स क्वालिटी। फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक और ऑथोक्रेटेरियन। सेकंड है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। थर्ड है लेजीज, फेयर और फ्री रेन। ऑटोक्रेटिक में लीडरशिप में क्या होता है? ही डज नॉट लाइजन एनी बॉडी। वाट ही थिंक इट इज फाइनल। ऑटोक्रेटिक में जो सोचता है वही फाइनल मानता है। थर्ड, ही डज नॉट कंसीडर एनी ओपिनियन ऑफ हिज सब ऑर्डिनेट। ही एक्टिवेट द जॉब इमीडिएटली। He does not care of any opinion for any corner etc. ऑटोक्रेटिक में होता है। अब देखते हैं डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होता है। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप डज नॉट फोर्सफुली इम्पोज। ही रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ हिज सब ऑर्डिनेट। ही गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। ही मेक ए फेवरेबल गुड डिसीजन विच इज एक्सेप्टेड बाई एवरीबॉडी। ही टेक्स सम टाइम टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन एसेट्रा। अब देखते हैं थर्ड, लेजेज, फेयर या फ्री रेन। इसमें यह होता है कि ही डज नॉट बोदर फॉर एनी थिंग्स। वो किसी चीज़ के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है। ही रिमेन्स इन इफेक्टिव फॉर एनी वर्क। ही रिमेन्स इन
इफेक्टिव फॉर एनी वर्क, ही रिमेंस अवे फ्रॉम द सबऑर्डिनेट, वो सबऑर्डिनेट से दूर रहना चाहता है। ही डज नॉट थिंक ऑफ द फ्यूचर, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। ही रिमेंस बिजी विथ हिम सेल्फ। अब देखते हैं हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड बाई वर्क स्टडी। एवरी माइन हैज गॉट ए नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। देयर इज सम प्रोडक्ट प्रॉब्लम समवेयर टू फाइंड आउट दैट प्रोडक्शन वी नीड टू डू सम वर्क स्टडी। इन वर्क स्टडी इंक्लूड्स फर्स्ट टाइम एंड मोशन स्टडी, सेकेंड प्रोसेस एंड मेथड स्टडी, थर्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इन द टाइम एंड मोशन स्टडी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ टाइम ऑफ ऑल ऑपरेशंस। इन माइक्रो मोशन स्टडी कैन बी आल्सो यूज्ड बाय सीने कैमरा सीसी कैमरा। बाय दिस वी कैन फाइंड आउट वेयर इज द डिफेक्ट। सेकेंड प्रोसेस एंड मेथड स्टडी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द प्रोसेस एंड मेथड इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टूल्स बाय व्हिच द डिफेक्ट इन द सिस्टम कैन बी फाउंड आउट। आफ्टर ऑल द स्टडी वी कैन इम्प्रूव द सिचुएशन एंड माइंड बिकम्स प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।